हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्रीवेद स्पार्क। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर के, उनको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर न्यू हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिले। एंड साथ ही साथ हमें डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब या आपका व्हाट्सअप इज ऑल्सो अवेलेबल, कनेक्ट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप क्लिक करके जो है उनसे कनेक्ट हो सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज दिस, दैट विच ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें यहाँ तक कवर कर लिया था। सो मैंने बताया था जनरली कौन सी इंटरक्रॉपिंग को हम इंडिया में फॉलो करते हैं, सो दैट इज योर रो इंटरक्रॉपिंग, यानी करेक्ट इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, जितना एक्चुअल कल्टिवेटेड एरिया है एंड जितना आपका टोटल फार्म एरिया है उसका रेशियो, ठीक है। एक्चुअल आप कितना कल्टिवेट कर रहे हो किसमें से, जितना आपका फार्म का एरिया है उसमें से, तो वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज योर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, करेक्ट इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज दी एक्चुअल कल्टिवेटेड एरिया, जितना आपने कल्टिवेट किया है किसके उसमें, एज मतलब आप कह सकते हो रेशियो में अगर आप लोगे तो एज कंपेयर टू दी टोटल फार्म एरिया। ओके, एक्चुअल कल्टिवेटेड एरिया टू दी टोटल फार्म एरिया इज नोन एज दी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा वहीं अगर हम बाकी चीज़ें देखें जैसे रिले क्रॉपिंग, सो रिले क्रॉपिंग में आपको पता है कि आपकी जो प्रीवियस क्रॉप है, यानी आपने एक जो क्रॉप लगाई है इसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही आप क्या करते हो, दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देते हो, तो ये क्या कहलाती है, आपकी रिले क्रॉपिंग कहलाती है। क्रॉप रोटेशन आपको पता है, यानी आपने एक क्रॉप लगाई उसके बाद आप जो लगाओगे वो दूसरी क्रॉप लगाओगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्रॉप लगाओगे, तो ऐसी मतलब क्रॉप्स को आप कैसे लगाते हो, रोटेशन में ग्रो करते हो, सो दैट इज़ योर क्रॉप रोटेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश रेफर्स टू द इरेडिकेशन ऑफ द फंगल स्पोर्स दैट हैव बिकम स्टैब्लिश्ड विद इन द सीड कोट और इन द डीप सीटेड टिश्यूज़, यानी बेसिकली जो आपके फंगल स्पोर्स हैं वो सीड में कहाँ पे चले गए हैं, डीप विद इन द स्टैब्लिश्ड हो गए हैं, आपके जो सीड कोट है उसमें आपका जो है क्या हो गए हैं, वो आपके स्टैब्लिश्ड हो गए हैं फंगल के स्पोर्स, तो उसको आपको हटाना है, तो आप कौन सा मेथड या क्या आप यूज़ करोगे, सीड डिस इन्फेक्शन, ठीक है, या सीड डिस इन्फेस्टेशन, सीड प्रोटेक्शन, या नन ऑफ दी अबव। सो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, अगर हमको क्या करना है उसको हटाना है, यानी जो भी हमारे फंगल स्पोर्स हैं सीड कोट में स्टैब्लिश्ड हो गए हैं उनको वहाँ से इरेडिकेट करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर सीड डिस इन्फेक्शन, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दी स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट रिप्रेजेंट दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है, याद रखना जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है ये क्या है, आपका लार्जेस्ट कलेक्शन है आपकी क्रॉप डाइवर्सिटी का, ठीक है, ये क्या करता है, सीड स्टोरेज फैसिलिटी, यानी आपके यहाँ पे क्या रहता है, सीड को स्टोर करके रखते हैं, जो भी आपके क्रॉप्स हैं उनके सीड्स यहाँ पे स्टोर करके रखे जाते हैं, दी स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो लार्ज कलेक्शन है आपके सीड्स का, सो इट इज़ दी लॉन्ग टर्म सीड स्टोरेज फैसिलिटी बुल्ड टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड चैलेंजेस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप की गई है जिसमें आपके जो सीड्स हैं वो लंबे समय तक आप क्या करोगे, उन्हें स्टोर करके रख सकते हो। सो बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे, दैट इज़ योर नॉर्वे, कहाँ पे लोकेटेड है आपका, नॉर्वे में। सो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वो है इसमें ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, दी वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है, वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी का नाम क्या है, बेसिकली हिरन खुरी, ठीक है, क्या नाम है, हिरन खुरी, तो ये जो आपका वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी है ये किसका ऑब्जेक्शनेबल वीड है, कौन सी क्रॉप का ऑब्जेक्शनेबल वीड है आपका हिरन खुरी, सो वो है आपके वीट का, कौन सी क्रॉप का वीड है, दैट इज योर हिरन खुरी, जो आपका वीड है ये वीट का है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, द मैकेनिकल डैमेज ऑफ सीड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, यानी जो सीड है वो आपका मैकेनिकली डैमेज हो गया है किसी तरीके से, आपका जो सीड है मैकेनिकल से, यानी किसी भी, यानी आप कोई प्रोसेस कर रहे हो उसके दौरान जो आपका सीड है वो आपका ख़राब हो गया है या आपका मतलब डैमेज हो गया है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किस मैथड से, सो वो है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट, किस मैथड से आइडेंटिफाई करोगे, दैट इज़ द फेरिक क्लोराइड टेस्ट, करेक्ट इसमें ऑप्शन है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश इंडिकेट्स द रेट ऑफ नेट फोटोसिंथेसिस, नेट फोटोसिंथेसिस किस में इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ द, कौन सा कहलाता है नेट फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ द नेट एसिमिलेशन रेट, नेट एसिमिलेशन रेट
इंडिकेट्स द नेट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो करेक्ट इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जितना आपका एसिमिलेशन रेट होगा उतना ही आपका जो नेट फोटोसिंथेसिस है वो रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द मॉइस्चर परसेंट ऑफ ग्रेन एट हार्वेस्ट टाइम, जो भी आपके ग्रेन्स होते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम में जनरली आप उनमें कितना मॉइस्चर देखने को मिलता है, सो वो है आपका 20 से 22% का। आपका जब आप ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हो उनमें क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है। कितने परसेंट रहता है, 20 से 22 डिग्री मतलब परसेंट। नेक्स्ट है आउट ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट डैश इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी जितना आपका वाटर आप एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है, यानी जो भी आपका प्लांट है जितना वाटर वो टोटल आपने टोटल वाटर दिया उसमें से कितना परसेंट वाटर उसने अपना किस चीज़ों में लगाया, अपनी जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें यूज़ करता है वो, तो वो है आपका 1%। सिर्फ 1% ही वो क्या करता है, जो वाटर आप उसे अप्लाई करोगे उसका वो यूज़ करेगा अपनी जो बॉडी है प्लांट की उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ईल्ड। ठीक है, 50% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ईल्ड, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट, यानी आपने जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड किया है 50% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ईल्ड को वो कहलाता है, दैट इज़ बेल यूनिट। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है डैश डिनोट्स द फिजिक्स चेंजेस, तो फिजिक्स चेंजेस में आपके कौन से चेंजेस आएंगे, दैट इज़ द डेवलपमेंट। कौन सा होगा, दैट इज डेवलपमेंट, फिजिक चेंजेस विच डिनोट्स द फिजिक चेंजेस, सो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिनोट्स द फिजिक चेंजेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं द ग्लायोफोसेट हर्बिसाइड इज, अब जो ग्लायोफोसेट हर्बिसाइड है ये आपका कैसा है, इट इज द ट्रांसलोकेटेड एंड नॉन सेलेक्टिव। ग्लायोफोसेट कैसा है, ट्रांसलोकेटेड है एंड आपका कैसा है, नॉन सेलेक्टिव है, ट्रांसलोकेटेड एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड इन, सो वर्ल्ड टीबी डे ये कब ऑब्जर्व किया गया है आपका, बेसिकली अगर आप देखोगे वर्ल्ड टीबी डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इन द 24th of March, 24 मार्च को हम क्या करेंगे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज एनकाउंटर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटिश एडवेंचर इन अ ईयर 1823। ठीक है, जो आपकी क्रॉप है रॉबर्ट ब्रूस ने कौन सी क्रॉप को आपका क्या किया था, एनकाउंटर्ड किया था, तो वो थी आपकी कौन सी क्रॉप थी, दैट इज योर टी। ठीक है, और टी के अंदर जो बिटर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट इन टी इज ड्यू टू टैनिन। ठीक है, टैनिन की वजह से उसमें क्या देखने को मिलता है, बिटर टेस्ट देखने को मिलता है, और रॉबर्ट ब्रूस ने ही उसको क्या किया था, 1823 के अंदर टी को एनकाउंटर्ड किया था। नेक्स्ट है स्पैट मीटर इज यूज्ड फॉर, अब स्पैट मीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं याद रखना, सो स्पैट मीटर हम सबसे पहले तो स्पैट आपका जो फुल फॉर्म है इसकी क्या रहती है और इसको हम क्यों मेज़र करते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना मेजरिंग मॉइस्चर को मेज़र करने के लिए करेंगे, या आपका इरीगेशन जो आपका नाइट्रोजन फर्टिगेशन है उसको आपने क्या करना है शेड्यूल करने के लिए, जो क्लोरोफिल कंटेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए करते हो, या फिर मेजरिंग द कैनोपी टेम्परेचर। सो याद रखना स्पैट जो है आपका ये क्लोरोफिल कंटेंट को मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी, एंड इसकी जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे कि जो स्पैट है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अमंग ऑल द वेजिटेबल क्रॉप द हाइएस्ट सल्फर इज फाउंड इन, अब सबसे ज़्यादा जो सल्फर है वो कौन सी क्रॉप है, इन सब में से सबसे ज़्यादा सल्फर कौन सी क्रॉप में पाया जाता है, सो वो आपका पाया जाएगा दैट इज़ द कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहता है, सल्फर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वाटर पोटेंशियल डिटरमाइंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वाटर पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं वो सक्शन में भी करते हैं, टेंशन में भी करते हैं एंड आपके पोटेंशियल में भी करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ए बी ओ ब्लड ग्रुप, कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं आपके अगर ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, तो देखो ए बी ओ है ना, तो ये सारे जो आपके फिनोटाइप्स अगर आप बनाओगे तो आपके 4 फिनोटाइप्स आपके यानी 4 टाइप के जो ब्लड ग्रुप हैं वो आपके पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन हेप्लॉइड्स आर रिप्रेजेंट, सब्स्टिट्यूशन हेप्लॉइड्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हेप्लॉइड्स क्या होंगे, एन माइनस वन प्लस वन, दिस इज दी सब्स्टिट्यूशन हेप्लॉइड्स। इस अगर आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन हेप्लॉइड्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इस तरीके से आप क्या करते हो उसको रिप्रेजेंट करोगे।
नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड पर यूनिट वॉल्यूम. अब जो वाटर पोटेंशियल आपका डिटरमाइंड हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो क्या कहलाता है, दैट इज द प्रेशर हेड. ओके, वाटर पोटेंशियल डिटरमाइंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द प्रेशर हेड. ओके, तो करेक्ट हम देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दैट इज द ब्रैसिका जुनेशिया इज यूज्ड फॉर द फोटो रेमिडेशन ऑफ. किसका, ब्रैसिका जुनेशिया का यूज़ करते हो फोटो रेमिडेशन के लिए, तो उसमें क्या यूज़ करोगे हम बेसिकली, तो हम क्या करते हैं लेड का यूज़ करते हैं, यानी पीबी. ओके, नेक्स्ट है एक्सफ्लोटेशन इज ड्यू टू. एक्सफ्लोटेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स. ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स की वजह से क्या देखने को मिलता है, एक्सफ्लोटेशन. करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो ये थे आपके आज के जितने आपके क्वेश्चंस बच गए थे कल के वीडियो में, रिमेनिंग उनको कंटिन्यू किया है. एंड सिमिलरली इसी तरीके की वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी. अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो. वीडियो आपको जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करनी है, लाइक करनी है एंड फॉलो करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज योर एग्री विद स्पार्क.